और फ्यूल टैंक कैप के ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं E20 का स्टिकर लगा, जिससे आपको जानकारी हो जाती है कि ये जो जुपिटर 110 है ये 2023 मॉडल है। और एक बॉटल में मैंने करीब 250 ml पेट्रोल को रखा, आप देख लीजिए। माइलेज टेस्ट के बाद मैं आपको ये बॉटल फिर से दिखाऊंगा। और माइलेज टेस्ट के लिए हमने एवरेज सस्टिंग बॉटल में 250 ml पेट्रोल लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस पेट्रोल को डालने से पहले आपको दिखा रहा हूँ स्कूटर स्टार्ट हो रहा है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है जो अपने लिए जुपिटर 110 2023 मॉडल लेने की सोच रहे हैं। और साथ ही आप में से काफ़ी सारे लोगों का कमेंट सेक्शन में कमेंट भी था कि आप इस स्कूटर का एक सिंगल राइड में सिटी माइलेज टेस्ट कर दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस स्कूटर का सिंगल राइड में सिटी माइलेज टेस्ट पहले करके आ चुका, और मुझे बिल्कुल न्यू स्कूटर के हिसाब से भी देखा जाए तो इस स्कूटर में काफ़ी अच्छा माइलेज मिला है। तो आइए वीडियो में सबसे पहले मैं आपके साथ अपना इस स्कूटर का राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, इसके बाद मुझे इस स्कूटर में कितना माइलेज मिला इसकी जानकारी दे दूंगा। और वीडियो के अंत में आप इस स्कूटर का कंप्लीट माइलेज टेस्ट वीडियो देख पाएंगे। और आपको बताना चाहूंगा कि इस स्कूटर को मैं आपके लिए लेके आया हूँ नरवेराम टीवीएस आदितपुर शोरूम से। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस स्कूटर के सीटिंग पोस्चर की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्कूटर में आपको बहुत ही अच्छा सीटिंग पोस्चर मिलता है, और राइड करते वक्त आपको इस स्कूटर के हैंडल बार में बिल्कुल भी वाइब्रेशन महसूस नहीं होता। आप चाहो तो इसे 85-90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में भी राइड करेंगे तो हैंडल बार में आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशन महसूस नहीं होगा। और अगर आपका हाइट 6 फीट है, उससे थोड़ा ज़्यादा भी है, तब भी आप इस स्कूटर को बहुत ही आराम से राइड कर पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा हाइट 5'10" है, और बैठने के बाद भी इस स्कूटर में आपको काफ़ी अच्छा लैग स्पेस मिल जाता है। तो हाइट ज़्यादा रहने से भी आप इस स्कूटर को काफ़ी आराम से राइड कर पाएंगे। और बात करें इस स्कूटर के सीट की, तो इस स्कूटर में आपको काफ़ी लार्ज एंड कंफर्टेबल सीट मिलता है एक फैमिली पर्सन के लिए। और स्कूटर को राइड करते समय आपको इस स्कूटर का सीट बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होगा। और बताना चाहूँगा कि सीट के अंदर आपको 21 लीटर कैपेसिटी का अंडर सीट स्टोरेज भी मिल जाता है। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका हाइट 5 फीट है, उससे थोड़ा कम भी रहेगा, तो आप इस स्कूटर को बहुत ही आराम से राइड कर पाएंगे, क्योंकि स्कूटर के सीट हाइट को काफ़ी कम रखा गया है। और आपको बताना चाहूँगा कि इस स्कूटर में आपको ज़्यादातर बॉडी पार्ट मेटल का मिलता है, जिससे स्कूटर में राइड करते समय आपको इस स्कूटर के बॉडी में भी कोई भी वाइब्रेशन महसूस नहीं होता है। और अब हम इसके सस्पेंशन और इसके ब्रेक के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस स्कूटर के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क और रियर में आपको एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिलता है, जिसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और सिटी में राइड करते समय मुझे इस स्कूटर का सस्पेंशन काफ़ी बेहतर महसूस हुआ। और ब्रेक की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसके फ्रंट और रियर दोनों में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक, साथ ही इसमें SBT सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिलता है, जिससे स्कूटर में ब्रेक लगाते समय आपको इस स्कूटर का ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी बेहतर महसूस होगा। और इस स्कूटर के इंजन में दोस्तों आपको 109.7 cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर 7.88 PS का पावर और मैक्सिमम टॉर्क 8.8 Nm का टॉर्क मिलता है, जिससे इस स्कूटर में आपको काफ़ी अच्छा पिकअप मिल पाता है। साथ ही स्कूटर को राइड करते समय आपको इस स्कूटर का इंजन बहुत ही स्मूथ महसूस होगा। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमें जुपिटर 110 2023 मॉडल इस स्कूटर में सिटी राइड में सिंगल राइड में हमें कितना माइलेज मिला है। तो आपको जानकारी दे दूं कि जब मैं इस स्कूटर को नरवेराम टीवीएस आदितपुर शोरूम से लेकर निकला था, तो इसके फ्यूल टैंक में काफ़ी कम पेट्रोल था। जहाँ पर इसके फ्यूल टैंक में पेट्रोल खत्म हुआ, वहाँ पे हमने एवरेज सस्टिंग बॉटल से 250 ml पेट्रोल को मेजर करके इसके फ्यूल टैंक में डाला, और तब इसके ऑडोमीटर में रीडिंग था 2.7। सिटी में राइड करते वक्त आज मैंने इसे काफ़ी ट्रैफिक में भी राइड किया है, और जहाँ ट्रैफिक नहीं था वहाँ पे इस स्कूटर का स्पीड 45-50 किलोमीटर पर आवर मैंने रखा था। जब आप इसका कंप्लीट माइलेज टेस्ट वीडियो देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। और जहाँ पर इसके फ्यूल टैंक में 250 ml पेट्रोल खत्म हुआ, तब इसके ऑडोमीटर में रीडिंग था 15.7। तो अगर आप इसके पहले वाले रीडिंग से इसे माइनस करते हैं, तो ये स्कूटर 250 ml पेट्रोल में सिंगल राइड में, मेरा वेट है 70 kg, 13 किलोमीटर चला। तो अगर मैं इसे x4 करता हूँ, तो आज हमें इस स्कूटर में बिल्कुल न्यू स्कूटर में 1 लीटर में 52 kmpl का माइलेज मिला, जो देखा जाए तो बिल्कुल न्यू स्कूटर के हिसाब से काफ़ी अच्छा माइलेज है। मतलब कि मैं मान सकता हूँ कि अगर मैं आज इस स्कूटर का माइलेज सस 1 लीटर में करता, तो मुझे इस स्कूटर में आज ही बहुत ही आराम से 54 या 55 kmpl का माइलेज जरूर देखने को मिल जाता। और आप सभी जानते हैं कि इस स्कूटर के सेकंड थर्ड सर्विस के बाद ये माइलेज थोड़ा और भी बढ़ जाएगा। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा होगा, और आप अगर इसे इको स्पीड से ज़्यादा हाई स्पीड में राइड करेंगे या डबल राइड में राइड करेंगे, तो हो सकता है आपको इस स्कूटर में थोड़ा बहुत कम माइलेज देखने को मिले। तो आप समय दोस्तों बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपने और अपने फैमिली के लिए कोई भी एक 100-110 cc में कोई भी एक स्कूटर लेने की सोच रहे हैं, तो आप एक बार जुपिटर 110 2023 मॉडल इस स्कूटर का टेस्ट राइड जरूर लें। आपको बताना चाहूँगा कि इस स्कूटर में जो 110 cc का इंजन मिलता है, इसमें आपको काफ़ी अच्छा पिकअप मिलता है। स्कूटर को राइड करते समय आपको इसका इंजन काफ़ी स्मूथ महसूस होगा, साथ ही राइड करते वक्त भी आपको इस स्कूटर के बॉडी में कोई भी वाइब्रेशन महसूस नहीं होता है। और आपके लिए इस स्कूटर में 21 लीटर कैपेसिटी का अंडर सीट स्टोरेज मिल जाता है। स्कूटर में आपको 5 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक मिलता है, और आपकी सेफ्टी के लिए इस स्कूटर में साइड स्टैंड इंजन कटअप स्विच भी आपको मिल जाता है। और एक चीज़ जो इस स्कूटर में बहुत ही खास है कि इस स्कूटर में आपको इसके फ्रंट और रियर
दोनों में 12 इंच का अलॉय व्हील भी मिलता है जिसमें आपको ट्यूबलेस टायर लगा हुआ मिल जाता है। और आप जैसा कि देख रहे हैं बारिश होना चालू हो चुका है, तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर ख़त्म करता हूं। और आप सबसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप जमशेदपुर इसके आसपास से हैं और आप इस स्कूटर का टेस्ट राइड या फिर इसे परचेस करना चाहते हैं एक अच्छे ऑफर में, तो आप नरवेराम टीवीएस आदित्यपुर शोरूम में आ सकते हैं। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। साथ ही मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा ताकि मेरे सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। और इस स्कूटर के बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो फाइनल दोस्तों, इस स्कूटर के फ्यूल टैंक में जितना ही पेट्रोल था लगता वो ख़त्म हो चुका है, और आपको दिखाने के लिए मैं इसमें दो बार सेल्फ ले रहा हूँ। एक बार और ट्राई करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। दोस्तों आप सभी ने देखा स्कूटर के फ्यूल टैंक में पेट्रोल खत्म हो चुका है, और फ्यूल टैंक कैप के ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं E20 का स्टिकर लगा, जिससे आपको जानकारी हो जाती है कि ये जो जुपिटर 110 है ये 2023 मॉडल है। और एक बॉटल में मैंने करीब 250 ml पेट्रोल को रखा। आप देख लीजिए माइलेज टेस्ट के बाद मैं आपको ये बॉटल फिर से दिखाऊंगा। और माइलेज टेस्ट के लिए हमने एवरेज सस्टिंग बॉटल में 250 ml पेट्रोल लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस पेट्रोल को डालने से पहले आपको दिखा रहा हूँ स्कूटर स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो आप देख रहे हैं स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, और अभी इसके ऑडोमीटर में रीडिंग है 2.7। तो आइए इसमें पेट्रोल डाल देते हैं माइलेज टेस्ट के लिए। तो आपने देखा दोस्तों स्कूटर स्टार्ट हो चुका है। तो आइए चलते हैं सिंगल राइड सिटी राइड में और देखते हैं सिंगल राइड में आज हमें इस स्कूटर में कितना माइलेज मिलता है। Flashing lights dance with fire in the night. I'm wired. Watch the time pass us by. Is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up to size. What am I supposed to do? 'Cause it feels so good. Feeling wild like a zoo. Put me in a mood. Speaking, what am I supposed to do? 'Cause it feels so good. Feeling wild like a soup. Put me in a mood. Put me in a mood. Maybe I should have known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hopeless illusion. Hopeless illusion. तो फाइनली दोस्तों हमने जो इसमें 250 ml पेट्रोल डाला था माइलेज टेस्ट के लिए लगता है वो ख़त्म हो चुका है। आपको दिखाने के लिए मैं इसमें दो बार सेल्फ ले रहा हूँ। एक बार और ट्राई करते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। तो अभी दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं इसके ऑडोमीटर में रीडिंग है 15.7, और जब हम निकले थे तब रीडिंग था 2.7। तो अभी वाले रीडिंग से पहले वाले रीडिंग को अगर आप माइनस करेंगे
तो ये स्कूटर सिंगल हेड में इको स्पीड में 250 माइल पेट्रोल में 13 किलोमीटर चला, और अगर मैं इसे इनटू 4 करता हूँ तो आज हमें इस स्कूटर में 52 kmpl का माइलेज मिला, जो देखा जाए तो जुपिटर 110 2023 मॉडल में बिल्कुल न्यू स्कूटर के हिसाब से काफ़ी सही माइलेज है। ये रहा दोस्तों वो 250 माइल पेट्रोल जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था, और आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें पेट्रोल उतना ही है जितना पहले था। और अब मैं इस पेट्रोल को डाल देता हूँ रिटर्न जाने के लिए,